दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आप सोच रहे हो कि वॉइस आ रहा है मैं फीमेल का और दिख रहा है मेल। तो जी हाँ, यहाँ मेरे पति जो है और हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, तो मैंने उनको लगा दिया है गिफ्ट रैप करने में। तो चलो अब हम चलते हैं बर्थडे पार्टी में। हेलो व्यूअर्स, तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए और अच्छे और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तो बहुत अच्छे ही होंगे, है ना? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं कहाँ, बताया था इससे पहले ब्लॉग में, नहीं देखे हो तो कहाँ से पता चलेगा। तो हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। तो मैं तो फिलहाल तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ की बर्थडे पार्टी ऐसी होती है बेंगलोर की, और गिफ्ट भी रेडी है। पर शर्मा के पापा रेडी नहीं है, क्योंकि उनका मीटिंग तो 24 घंटे चलते रहता है, काम काम काम। चलो मेरी इंतजार ही कर रही हूँ बाहर में, बुरे चले। तो अब हम जाने वाले हैं, हमारा गिफ्ट पैक हो चुका है। मैं दिखाती हूँ ना गिफ्ट कैसा है। बर्थडे पार्टी है वो बच्चों की है, तो हमें भी जाना है, क्योंकि हमारा छोटा सा बच्चा है तो उसको लेट तो हम ही जाएंगे ना। देखो ये बेंगलोर की लाइट, यहाँ ऐसी लाइटिंग रहती है, ऐसी ऐसा। तो चलो चलते हैं अब फिर से हम बेंगलोर की गलियों में। पर अब हम बेंगलोर की गलियों में जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे। ओके ठीक है, श्रव्या फिर से साइकिल में तैयार है जाने के लिए। हम उतने दूर बेटा साइकिल में नहीं जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे। श्रव्या उतरो। श्रव्या को कौन समझाया कि हम जा रहे हैं बहुत दूर और इसकी इस छोटे से साइकिल में ना जा पाएंगे, हम जाएंगे कैब ले करके। पर ये समझ ही नहीं रही है। श्रवि देखो, श्रवि चलो चलो बेटा, चलो इको छोड़ो चलो। तो फाइनली हम अपने बेसमेंट में पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं अपना कैब वाले के पास। ये हमारा गिफ्ट तैयार है और श्रव्या रो रही है, क्योंकि उसको जाना है अपनी साइकिल पे। श्रव्या बोल रही है कि उसको जाना है बर्थडे में यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर अपने साइकिल में। साइकिल में जाएगी, बैठाएगी हमें अपने पीछे। तो यहाँ पे जो है हमारा कैब आता है, हम सब कैब के लिए यहीं पे रुकते हैं और हम रेडी है जाने के लिए। और चलो चलो आ गया। तो फाइनली हम यहाँ पे बैठ के जो है अपनी कैब का इंतजार कर रहे हैं। और सर ये है, बस घूम रही है, आ गया क्या? तो आप देखो, मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ हमारे अपार्टमेंट की साइड का, ठीक है? देखो यहीं पे आता है, हम यहीं पे इंतजार करते हैं, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। पति तो कितने टाइम है, मतलब कितना टाइम लगेगा उनको आने में? तो फाइनली हम जो है अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। अब हमें जाना है क्लब हाउस। तो अब हम खोज रहे हैं कि इस अपार्टमेंट में क्लब हाउस कहाँ पे है। तो हम जो है थोड़ा नोटिस वगैरह देख रहे हैं और फाइनली जो है हमें क्लब हाउस का एड्रेस पता चल गया है, जहाँ की हम पहुँचने वाले हैं और बर्थडे पार्टी इंजॉय करने वाले हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
फाइनली बर्थडे पार्टी जो है फिनिश हो चुकी है और हमने जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। मतलब बर्थडे पार्टी तो थी छोटे बच्चों की, पर इंजॉय किया है बड़े लोगों ने। तो ऐसा विश करते हैं कि ये पार्टी बार बार आते रहे और गेट टुगेदर बने रहे। तो देखो मेरे हाथों में क्या क्या है, छोले कुलचे, पाव भाजी, उसके नीचे जलेबी है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे घर। तो फाइनली गाइस हम घर जो है पहुँच चुके हैं बर्थडे पार्टी इंजॉय करके। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ के फूड बहुत ही टेस्टी थे। तो इसी तरह आप मेरे ब्लॉग को देखते जाइए क्योंकि मैं अब ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ। तो फिर हम फिर से मिलेंगे एक नए और प्यारे से ब्लॉग के साथ। शर्मा को कुछ चाहिए मैं वो दे देती हूँ, ठीक है? टाटा बाय बाय, टेक केयर।